गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम सुरेंद्र यादव, आई बिलोंग फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल उत्रीजपुर सम्मोहन जौनपुर। टुडे आई शैल टीच यू लुकिंग अराउंड क्लास 6 चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव। इन दिस चैप्टर टुडे आई शैल टीच यू स्ट्रेविंग फॉर द इक्वालिटी, यानी समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विथ इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। स्ट्रीविंग फॉर द इक्वालिटी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट फॉर टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। इन दिस चैप्टर टूडे वी लर्न द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विथ इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों और औरतों, यहां देखेंगे द ट्रीटमेंट मोर इक्वली, दलित ओमेन्स ट्रिबल्स एंड द पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स। दलित औरतें, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एज द पॉइंटेड आउट ऑफ ईयरली मेनी दलित, जैसा कि पहले भी बात हुई है, मेरी दलित ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू द टेंपल। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। गैन में संघर्ष होता है, तो क्या किया? संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, यहां देखेंगे औरतों ने मांग किया कि दे शुड हैव एज मच ए राइट टू द एजुकेशन एज मेन डिड। जैसा अधिकार मानव के पास शिक्षा के लिए है, वैसा अधिकार ओमैन के पास भी होना चाहिए। तो जैसा पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसा ही अधिकार औरतों के पास भी होना। ओमैन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज द मच राइट ऑफ एजुकेशन एज मेन डिड। जैसा कि आदमी के पास अधिकार शिक्षा का अधिकार है, वैसा उनके पास भी रहना चाहिए। पीजेंट्स एंड ट्रिबल्स फॉट टू रियलाइज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ द मनी लीडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वेयर कॉर्ज। इसमें देखेंगे
किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऊंची ब्याज से इंटरेस्ट दे वेयर चार्जेज चार्ज क्या किया, वे छुटकारा दिलाने के लिए ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। When India became a nation in 1947, our leader too were concerned about the different kind of inequalities. 1947 में भारत जब आजाद हुआ, 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया, इनइक्वालिटी असमानताओं पर विचार किया। हमारे समाज में व्याप्त भिन्न भिन्न कई प्रकार की असमानताओं, इनइक्वालिटी मीन्स होता है असमानताएं, के बारे में दैट एक्साइटेड जो उत्तेजित थे, उत्सुक थे, दोज हु रोट द कॉन्क्लूशन ऑफ इंडिया। उसने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन वेयर एवर ऑफ द वे इन विच वे इन विच। तो संविधान के लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों के खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है, लोगों के खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल।